काम पे पहुंच गई हूँ, हाथ में चाय का मग लेके, और इधर बस वेट कर रही हूँ। मैं जल्दी आ गई हूँ आज, इसलिए इधर वेट कर रही हूँ दूसरे स्टाफ की। और ट्रैफिक बहुत है इस साइड पे, पूरी जमी हुई है। इस साइड पे भी इतनी ट्रैफिक है, ये राउंड द कोना, यहाँ पे ट्रैफिक जम जाती है। आज है ट्यूसडे मॉर्निंग। राम राम सीताराम टू एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो बहुत ट्रैफिक जंक्शन पे इधर भीड़ है अभी, देखो कितने किस तरह से गाड़ियों को वेट करनी पड़ती है। जिस तरह से जा रहे हो ट्रैफिक लाइट रोक लेती है। आज अब भाई बोल रहा था, मम्मी ये रेड लाइट क्यों होती है? आई सेड फॉर सेफ्टी, क्योंकि उसको स्कूल जल्दी जाने का दिल होता है। दोनों बहन भाई को जल्दी पहुंचना है। एवरी डे 5 मिनट जल्दी पहुंचाती हूँ मैं उसको स्कूल पे। उसकी स्कूल गेट जो है उसका खुलता है 8:40 और मैं पहुंचाती हूँ 8:45, तो गेट बंद होता है 8:50 पे। 10 मिनट तक ही गेट खुला है, उसके बाद ऑफिस से बच्चों को जाना होता है, तो टाइम से मैं पहुँचा देती हूँ डेली। 7 o'clock से अलार्म लगाया, जल्दी जल्दी उठाती हूँ, रेडी करती हूँ दोनों बहन भाई को और पहुँचा देती हूँ टाइम से। तो ये है हमारा डेली का रूटीन। फिर मैं आज चाय साथ में लेके आई ताकि उन लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, और उन लोगों को दोनों को ब्रेकफास्ट, हेलन ब्रेकफास्ट नहीं करती, दूध पिलाया, अभी को ब्रेकफास्ट खिलाया। और बस डेली रूटीन ही था। आज लकीली धूप निकली है, बारिश नहीं है। कल तो बहुत बारिश थी पूरा दिन। तो ये है अभी का वेदर, धूप अच्छी है। सुबह सुबह फेस पे धूप आए तो मज़ा आता है। फिनिश थी गयू अने हूँ निकली गई छू, गाड़ी काढ़ी लीजिए लीधी पार्किंग में थी, अने हवे मारी पासे 2 कलाक नो टाइम छे फ्री एकदम। तो हूँ तैयारी करूँ छू मारी प्रिंसेस ना बर्थडे नी, मारी हेलन नो बर्थडे छे सैटरडे, एटले हूँ एना माटे तैयारी करूँ छू, कहीं नू कई वस्तु लाऊँ छू, अने हूँ हेलन ने 100% हैप्पी करवानी कोशिश करूँ। एवरी बर्थडे शी इज वेरी इम्प्रेस विद व्हाट मम्मी डू। सो दिस वीकेंड आई हैव सरप्राइज फॉर यू गाइज एंड हेलन, show you some of our nice weather. Weather is really really nice today, and look at this tree here, nice and pink. It's already weather effect started on a tree and the flowers in this country. Yesterday was raining, gai kale ekdam varsad hato, aaje saras weather che. હું કામ પૂરું કરીને બસ નીકળી ગઈ છું આમ તેમ શોપિંગમાં, મારા પાસે બિલકુલ બપોરનો ટાઈમ ફ્રી છે, એટલે તમારી સાથે વાતો કરું, વિડીયો બનાવું અને સાથે સાથે આમ તેમ રખડું છું। આઈ હોપ તમારા લોકોનો દિવસ મસ્ત જતો હશે। જો આ ઝાડું જુઓ કેટલું મસ્ત છે, સ્ટેન્ડ ઉપર છે ફોન, ખાલી સ્ટેન્ડ ફેરવું છું, કેટલું સરસ પિંક ફ્લાવર એમાં આવ્યા છે, અને આ બધા હવે ગ્રીન થવા માંડ્યા છે। સે સારે વ્યૂઅર કા થેન્ક યુઝ મેરે સાથ વાપસ સે જોડને કે લિયે, મેરે વિડીયોઝ કે વ્યૂ બઢ રહે, યહાં તો મેં વિડીયો અચ્છી બના રહી હું, યહાં તો આપ લોગ અચ્છે બન ગયે હો। અચ્છી વેધર આ ગઈ તો અચ્છી વિડીયોઝ મિલેગી, બહાર નિકલને કા દિલ કરતા હૈ ઓર અચ્છી વિડીયોઝ બનાને કા ભી દિલ કરતા હૈ। અગર ઠંડી હૈ તો હમ બસ અપના રૂટીન કરકે થક જાતે હોતે। તો થેન્ક યુ ગાઈઝ, ऐसे ही हमारे साथ बने रहो और हम आपको यूके की वीडियोस दिखाते रहेंगे। और फिर से एक बार नसीमा जी का थैंक यू, जो नसीमा जी ने मेरे साथ एक रोटी बनाने की वीडियो शेयर की थी, जो क्लिप में खुद रोटी बनाऊंगी उस क्लिप में लगाऊंगी ऐसा सजेशन दिया है, पर वो बहुत अच्छा है कि कोई अभी यहाँ पे बहुत लोग आ गए हैं इंडिया से स्टूडेंट वीज़े पे, बहुत सारे लोग जो सीरियसली रोटी उसको बनाना नहीं आती और फैमिली इधर साथ में उसके होती नहीं, तो वो लोग
ऐसा कुछ ढूंढ रहे जो रोटी बना के उसको दे सके और रीजनेबल प्राइस में. सो वो रोटी की क्लिप भी मैं इसमें शेयर करूंगी और वो इन्फॉर्मेशन भी लगाएंगे कि कहाँ पे वो रोटी मिलेगी हमारी. और इधर डैगनम, इल्फर्ड, बार्किंग, ये लोकल एरिया में जो भी है वो यहाँ से रोटियाँ ऑर्डर कर सकते हैं. तो बस ये एक मैं शेयर करूँगी. और बस यहाँ पे आसपास के एरिया में जो भी कस्टमर है हमारे केमिस वाले वो जानते हैं. तो बस मैंने मेरा जॉब फिनिश किया और ये सबका सवाल है कि मेरी जॉब क्या है, मैं क्या काम करती हूँ. मैं 2008 से लेके अब तक फार्मेसी में काम करती हूँ और कम्युनिटी फार्मेसी है. तो ये लोग के साथ मैं वो 2008 से दूसरी ब्रांच में थी, फिर मेरी ब्रांच चेंज हुई मगर मेरा जॉब सेम ही है. मैं काउंटर स्टाफ हूँ और मैं अभी डिस्पेंसरी की क्वालिफिकेशन करना चाहती हूँ. अभी देखते एंड ऑफ दिस मंथ, बिगिनिंग ऑफ मई से मेरा वो डिस्पेंसरी का कोर्स शुरू हो जाएगा. फिर मैं थोड़ी और क्वालिफिकेशन करूँगी इसी में, फार्मेसी में ही. तो अभी तक मैंने प्रोग्रेस इतना नहीं किया था मगर काम इसमें ही किया है. अच्छी सैलरी है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, आप स्टडी इतना नहीं कर सकते. और प्लस मेरा ये है कि जो भी मैं कर रही हूँ मैं उसको परफेक्टली करती हूँ. तो मैंने अभी तक जो भी काम किया है मेरे काम से मेरे बॉस और मैनेजर्स खुश होते हैं क्योंकि मैं मेरा 110% देती हूँ काम में. कभी डे ऑफ नहीं लेती, कितनी भी बीमार हूँ काम पर आ जाऊँगी. तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. सडनली मैंने थोड़ी सी विंडो खोली है और मुझे इतनी स्नीजिंग होने लगी है. ये धूप की वजह से हे फीवर होता है. अभी सब यहाँ पे सडनली किसी को आंखों से पानी गिर रहा है या स्नीजिंग हो रही है तो वो है हे फीवर. क्योंकि सर इतनी ठंड में से निकल के अचानक से हीट आने से या सडनली गर्मी हो जाने से हे फीवर हो जाता है. हेलो दोस्तों, राम राम सीताराम. तो ये देखो आज है संडे और ये संडे की वेदर हो गई बारिश. ऐसा कुछ ही टाइम आता है जब बारिश नहीं है, फिर हो जाती है बारिश वापस से शुरू. ओनली फ्यू मिनट्स ऐसे समझो बिना बारिश. आधा दिन ऐसे ड्राई था, आधा दिन ऐसे था बस. मुझे लगा आप लोगों को यूके की वेदर दिखाते हैं. और गवर्नमेंट ने भी ये वेदर देख देख के ना यूके में फोन का इमरजेंसी अलर्ट ऑन कर दिया कि आगे से अगर लाइफ में कभी इमरजेंसी हो इस कंट्री में फ्लड की या किसी भी तरह की तो किस तरह से आप लोगों को बता सके, किस तरह से आपको अलर्ट कर सके. इसलिए आज दिन में 3 बजे सबके फोन में अलर्ट आया था. जिस फोन इंटरनेट के साथ कनेक्ट था उसमें अलर्ट का 10 सेकंड के लिए साइन आई थी. और मैंने क्या फनी किया, जब अलर्ट आने वाला था उससे पहले सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए मगर अलर्ट की सिंबल फिर भी आई मेरे फोन में. हेलन इतना हंस रही थी, मम्मी वो अलर्ट आपके फायदे के लिए है. फिर भी मुझे लगा फोन में से कोई डेटा ना चुरा के चले जाए तो मैंने वो अलर्ट का भी नोटिफिकेशन सबका ऑफ कर दिया हर चीज का. ओह माय गॉड. और दिन मेरा बहुत अच्छा था संडे का. अभी मैं बाहर निकली हूँ ना, पूरा दिन घर पे थी और मम्मी डैडी से बातें की और दिन बहुत अच्छा था. अभी मैं 5 मिनट में मुझे हेलन को ट्यूशन से पिकअप करना है. 2 घंटे के लिए हेलन का ट्यूशन है और बस दिन का रेगुलर रूटीन जो होता है वो कंटिन्यू है. और मैं जाने वाली थी उस मेरी फ्रेंड के उधर बचा हुआ, वहाँ पे भी नहीं गई हूँ. और मेरी एक खास यूट्यूब में फ्रेंड ही बोल सकती हूँ, मैं खास यूट्यूब व्यूअर है, मेरी फैन है, वो मेरी आवाज से पहचान लेती है कि सर्दी हुई है आपको. पुष्पा नाम है उसका. पुष्पा का मैसेज आ गया, दीदी सर्दी लगी है क्योंकि आवाज से लग रहा है. एंड ट्रूली मुझे सिर्फ सोर थ्रोट हुआ है थोड़ा सा, इतना ज्यादा तो नहीं. बट थैंक यू पुष्पा, पुष्पा कारावद्रा, शी इज माई ट्रू सिस्टर. उसको
आवाज से पता चल जाता है, मेरी सारी वीडियोस देखती है, सपोर्ट भी करती है मुझे। तो मैं जा रही हूँ बस अभी घर, और उधर से मैं अभय को पिकअप करके फिर हेलन को लेने जाऊंगी ट्यूशन से। मैं जा तो रही थी फ्रेंड के घर मगर गई नहीं हूँ। तो आज संडे बिल्कुल रिलैक्स किया, घर के सारे काम कल को कर लिए थे, आज एकदम रेस्ट किया। सोर थ्रोट था तो मुझे लगा आराम करती हूँ, तो मुझे कल वापस फ्रेश होकर जाऊं। और मम्मी डैडी से बातें की, मदर इन लॉ फादर इन लॉ से कल बात हुई थी, तो ओम और शिव हॉलीडे में गए थे, वो भी वीडियो आपको मिलेगी 2 दिन में। तो आज तो ओम और शिव भी वापस आ जाएंगे, कल ओम की भी स्कूल है। और मैं पहुंच गई हूँ घर, और दिन बिल्कुल मजेदार था। बाहर की वेदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो चल के जाने में इतना मजा नहीं आएगा क्योंकि बारिश है एकदम बाहर। तो मैं जल्दी से अभय को पिकअप करूंगी, गाड़ी में बिठाऊंगी और फिर हेलन को लेने चलेंगे हम दोनों माँ बेटा। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अभी, क्योंकि मुझे ये वीडियो कल अपलोड करनी है, मुझे डेली व्लॉग चाहिए। आज मम्मी डैडी भी बोल रहे थे चैनल को, क्यों आप नहीं कंटिन्यू कर रहे हो, वीडियो लगाओ डेली। मेरी माँ मेरी सारी वीडियो देखती है, मेरी माँ भी मेरी बिग फैन है बोलती है मैं तेरा वीडियो देखती हूँ, जब तू व्हाट्सएप पे शेयर करती है उस लिंक में से वो देख लेती है मेरी वीडियोस। और किसी का कमेंट था माँ तो माँ होती है, माँ ही माँ भी जा वगड़ा ना वाह दैट्स सो ट्रू। हूँ दिवस में एक के बे फोन करूँ मारा रजा ना दिवसे, जहाँ सुधी मम्मी साथ सरखी रीतना वात ना थी जाए फोन कर राखू। Yes, baby. You was following me for a cake. Only baby.